नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर। इस समय के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं और गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, बिहार के दिग्गज नेता श्याम रजक की 11 साल के बाद आरजेडी में हुई है वापसी, तो तेजस्वी यादव बोले मंत्रियों का भी भरोसा खो चुके हैं नीतीश कुमार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा है। श्याम रजक की आरजेडी में वापसी के मौके पर तेजस्वी यादव के निशाने पर हमेशा की तरह नीतीश रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 साल की सरकार में रहते नीतीश कुमार का कोई मंत्री विपक्षी दल ज्वाइन किया हो। तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद तंज भरे लहजे में कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब बिहार की जनता के साथ ही अपने मंत्रियों का भी भरोसा खो चुके हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार से अब बिहार बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है। बिहार या फिर देश, कहीं भी कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, आरजेडी में शामिल होने के बाद दिग्गज नेता श्याम रजक ने कहा है कि जेडीयू में लगभग 99% लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ज्वाइन कर ली है। यह यहाँ पर कहना है बिहार के दिग्गज नेता श्याम रजक का, और उन्होंने इस दौरान देख सकते हैं नीतीश कुमार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, सिगरेट की तरह भारतीय मीडिया भी सेहत के लिए हानिकारक है, विदेशी मीडिया की राय। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन पर विदेशी मीडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गल्फ न्यूज में छपे एक लेख में कहा गया है कि भारतीय न्यूज चैनलों को अब अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी जारी करनी चाहिए। ये सामग्री देखना आपके और आपके प्रतिभागियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लेख में आगे कहा गया कि भारतीय चैनलों के सामान्य कंटेंट में आमतौर पर कट्टरता सनसनी प्रमुखता से होती है। इसमें आगे कहा गया कि पिछले सप्ताह एक टीवी चैनल की डिबेट के दौरान भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी को गद्दार कहा, जिसके चंद मिनट बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता के अंतिम संस्कार के बाद उनकी पत्नी ने बताया कि पति के आखिरी शब्द थे, इन लोगों ने मुझे मार दिया। दुख की बात है कि राजीव त्यागी की अंतिम बहस एक ऐसे शो पर थी जो खुद को दंगल कहता है, जिसका शाब्दिक अर्थ निकाले तो कुश्ती का मैच होता है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, मीडिया संस्थान जो खुद को कुश्ती का मैच बताता है, वो पत्रकारिता के नाम पर दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ ही बना रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि इन कथित न्यूज चैनलों का टूटा हुआ बिजनेस मॉडल है, जहां वो चिल्लाते हुए और न्यूज सामग्री के रूप में कचरा परोसते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि इन चैनलों के लिए समाचार आखिर क्या है। उदाहरण के लिए अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मोदी की अनंत प्रशंसा करना, चैनलों ने बताया कि मोदी अब किसी भी गैर कांग्रेसी पीएम की तुलना में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। हालांकि चैनल ये बताना भूल गए कि वो लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने अपने दोनों कार्यकालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से साफ इनकार कर दिया, मगर ये कोई न्यूज नहीं है। इसमें आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, विदेशी मीडिया ने आगे कहा कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, मगर भारतीय न्यूज चैनल वास्तव में हत्यारे हैं और दिमाग को खंडित करते हैं। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार देश भर में गोदी मीडिया का विरोध हो रहा है,
और संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है इस पूरे मामले में, और FIR भी दर्ज हो रही है संबित पात्रा के खिलाफ। लेकिन इस बीच विदेशी मीडिया की राय भी सामने निकल के आई है और गोदी मीडिया को जबरदस्त तरीके से लिया है निशाने पर। दोस्तों अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से खुलकर के बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के निशाने पर फेसबुक और व्हाट्सएप, भारत में नफरत फैलाने के खुलासे की JPC जांच की मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में सत्ताधारी BJP से मिलीभगत कर व्यापारिक फायदे के मद्देनजर अपने प्लेटफॉर्म से नफरत फैलाने वाली सामग्री हटाने के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप लगातार सवालों के घेरे में है, खास तौर पर कांग्रेस के निशाने पर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से हुए इस खुलासे के आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को BJP और RSS लगातार नियंत्रित करते रहते हैं और झूठी और फर्जी और नफरत भरी खबरें फैलाते रहते हैं। कांग्रेस ने इस मामले को चौंकाने वाला और दुखद करार देते हुए इसकी जांच के लिए JPC यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि इन खबरों को लेकर के सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, रूस ने कोरोना वैक्सीन बना लिया है, भारत भाभी जी का पापड़ ही बेच रहा है। ये यहां पर तंज कसा है संजय राउत ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर कोरोना महामारी को काबू करने में नाकाम होने पर कटाक्ष किया है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि एक तरफ रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, लेकिन भारत अभी भी भाभी जी पापड़ में नुस्खा तलाश कर रहा है। ये यहां पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने तंज कसा है केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा है कि कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है केंद्र की मोदी सरकार। क्या दोस्तों आप लोग भी यही मानते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, शाहीनबाग के कई प्रदर्शनकारी BJP में हुए शामिल, आम आदमी पार्टी ने किया है जबरदस्त हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर के सुर्खियों में आए दिल्ली के शाहीनबाग से जुड़े कई प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने शाहीनबाग के प्रदर्शन को लेकर के BJP पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि शहजाद अली और डॉक्टर मोहरीन शाहीनबाग प्रदर्शन में शामिल थे, अब इन्होंने BJP का दामन थाम लिया है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि BJP ने जानबूझकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के राजनीतिक लाभ लेने के लिए शाहीनबाग का प्रदर्शन करवाया। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, योगी सरकार पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का निशाना, कहा यूपी में जंगल राज चरम पर है। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर के प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर के निशाना साधा है और आरोप लगा है कि राज्य में जंगल राज चरम पर है। उन्होंने सरकार से कानून व्यवस्था की समीक्षा कर सुरक्षा को लेकर के कदम उठाने की मांग की है। राज्य के आजमगढ़ जिले में पिछले दिनों एक दलित ग्राम प्रधान की हत्या के मामले को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर है। अब एक और भयानक घटना, सरपंच सत्यमेव ने दलित होकर ना कहा जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई, सत्यमेव जी के परिवारजनों को संवेदनाएं। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की कथित घटनाओं को लेकर के योगी सरकार को घेरा है और कहा है कि राज्य सरकार को कानून व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि अपराधियों के मन में कानून का कोई भी डर नहीं रह गया है। ये यहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक साथ जबरदस्त हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।